वन विभाग और जिला प्रशासन ने चिल्ड्रन पार्क हमीरपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पार्क के विस्तार व सौंदर्यीकरण के लिए वन विभाग के साथ व्यापक चर्चा की। इस दौरान उनके साथ वन विभाग हमीरपुर की डीएफओ प्रीति भंडारी, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार शर्मा, व्यापार मंडल अध्यक्ष सुरेश बजाज, सुप्रभात हेल्थ क्लब के अध्यक्ष जेएन शर्मा व सचिव आरएल भारद्वाज सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीएफओ हमीरपुर प्रीति भंडारी ने बताया कि पार्क के विस्तार के लिए 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत है, जिससे पार्क की फेसिंग की जानी है। इसके साथ ही पार्क में शौचालय व सुंदर गेट का निर्माण भी किया जाएगा। प्रीति ने बताया कि पार्क में नए ट्रैक भी स्थापित किए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि नगर परिषद को पार्क की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए भी कहा गया है, ताकि पार्क को सुंदर बनाया जा सके। चिल्ड्रन पार्क का, हाँ आपने सही कहा कि हालत खस्ता है, लेकिन अगर आप जाएंगे देखेंगे तो अब उसमें हमने थोड़ा काम शुरू कर दिया है, तो हम पार्क को थोड़ा एक्सटेंड भी कर रहे हैं, थोड़ी हमने फिलिंग की है। और साथ साथ तो इस फाइनेंशियल ईयर में हमने तकरीबन कोई 10 लाख के करीब जो है फंड्स जो हैं सेंक्शन करवाए हैं, तो उसके तहत एक प्लान जो है हम अपने लेवल पर अभी तैयार कर रहे हैं। तो उसका जो भी कार्य उसके तहत किए जाएंगे वो भी हम एक आध हफ्ते के अंदर जो है पार्क में शुरू कर रहे हैं। उसमें हमारा मेन फोकस रहेगा कि पहले की जैसा हम देख रहे हैं कि कई लोग गाड़ी लेके ही अंदर पहुंच जा रहे थे, अपने मोटरसाइकिल स्कूटर लेके, तो फेंसिंग की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं कि उसकी प्रॉपर फेंसिंग हो जाए, जो ट्रैक्स जो है टूट गए हैं उनका रिपेयर होगा, और लाइट्स जो हैं और वहाँ पे डस्टबिन बेंचेस जो कुछ भी वहाँ पे टूट चुका है तो उसका भी हम प्रॉपर रिपेयर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि उसको एक एक मॉडल पार्क जो है हमीरपुर में हम बनाएं। इसलिए हम कार्रवाई करेंगे, ट्रेस पासिंग की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उस हर चीज़ जो भी कोई चीज़ है लोगों के सहयोग के बिना वो चीज़ जो है उसको हम संभाल के नहीं रख सकते। जो वहाँ पे मॉर्निंग वॉकर्स हैं, इवनिंग वॉकर्स हैं, साथ में जो लोग वहाँ पे आके व्यायाम वगैरह करते हैं, दिन को बच्चे आके बैठ के पढ़ते हैं, तो सबसे हमारा यही फिर निवेदन रहेगा कि वो भी ऐसे एलिमेंट्स की तरफ ध्यान दें, जब भी ऐसी कोई घटना या कोई ऐसा इंसिडेंट उनके ध्यान में आता है वो अपने लेवल पे भी कार्रवाई करें और हमको भी बताएं, ताकि उनके खिलाफ जो भी उचित कदम है वो उठाए जा सकें। क्योंकि पार्क जो है वो सबका है, इस ऐसा नहीं कि आप किसी एक विभाग को बोल देंगे कि वही उसको देखेगा, ये एक हमें इसको एज ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा, तभी ये जो पार्क है हमारा, ये जैसा मैंने बोला कि इसको हम मॉडल पार्क बनाना चाह रहे हैं हमीरपुर में, तभी जो हमारा एक वो सपना जिसको आप कहेंगे साकार, तभी हो पाएगा।